बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज इंडिया के ईस्पोर्ट्स प्लेयर के लिए खास और एक नई शुरुआत है। आइए जानते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज की शुरुआत होगी इन गेम क्वालिफायर से, जहां रजिस्टर्ड टीम्स को 15 क्लासिक मैचेस खेलने होंगे। खेले गए 15 मैचेस में से 10 बेस्ट मैचेस को पिक किया जाएगा। याद रहे, क्लासिक मैचेस इरांगल, मिरामार या सैनहॉक, तीनों मैप्स में से किसी मैप पर खेला जा सकता है। इन गेम क्वालिफायर्स के बाद 512 टीम्स जाएंगी राउंड वन में। इन 512 टीम्स को 32 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। हर एक ग्रुप को 5 मैचेस खेलने होंगे और हर एक ग्रुप से टॉप 8 टीम्स प्रोसीड करेंगी अगले राउंड में, जो कि होगा राउंड 2। राउंड 2 में आए हुए 256 टीम्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। हर एक ग्रुप को 5 मैचेस खेलने होंगे। राउंड 2 के हर एक ग्रुप से टॉप 4 टीम्स जाएंगी अगले पड़ाव पर, जो कि होगा बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज राउंड 3। राउंड 3 में 64 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जहां हर एक ग्रुप को 6 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा और हर एक ग्रुप से टॉप 8 टीम्स जाएंगे अगले पड़ाव में। राउंड 4 से शुरू होगा असली खेल, जहां क्वालिफाई करके आई हुई टीम्स भिड़ेंगी 32 इनवाइटेड टीम्स के साथ। मौका होगा क्वालिफाइड टीम के पास इनवाइटेड टीम को पछाड़कर खुद को आगे रखने का। राउंड 4 में 64 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक ग्रुप को 6 मैचेस खेलने होंगे। हर ग्रुप से टॉप 6 टीम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज के लिए आगे बढ़ेंगी। यहां से शुरुआत होगी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज की, जहां सभी टीम के पास बराबर मौका है अपना हुनर दिखाने का, खुद को चैंपियन बनाने का। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज से आई हुई 24 टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी एक दूसरे से, जहां मात्र 16 टीम्स बढ़ेंगी आगे बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज ग्रैंड फाइनल में। 16 टीम्स, 24 मैचेस और कोई एक चैंपियन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज का। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज के लिए रजिस्टर करना बहुत आसान है। आइए जानते हैं रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए esports.battlegroundsmobileindia.com वेबसाइट पर जाएं। विंडो ओपन होने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। नेक्स्ट विंडो पर अपना ईमेल आईडी डालें और फिर ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए खुद को सक्सेसफुली वेरीफाई करें। अब बारी है अपने डिटेल्स भरने की, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, बीजीएमआई आईडी, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और खुद की प्रोफाइल पिक्चर। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आए टर्म्स एंड कंडीशंस और सारे चेकबॉक्सेस को टिक करें। ये तो बात रही खुद को रजिस्टर करने की, अब जानते हैं आप खुद की टीम कैसे बना सकते हैं या फिर बनी हुई टीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद योर टीम पर क्लिक करें। यहां आपको तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे, पहला क्रिएट अ टीम, दूसरा ज्वाइन अ टीम और तीसरा फाइंड अ टीम। क्रिएट अ टीम में टीम का नाम लिखें और फिर क्रिएट न्यू टीम पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी 3 अन्य प्लेयर को इनवाइट करें। ध्यान रखें, आप 6 प्लेयर्स की टीम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ टीम ओनर को भी ऐड कर सकते हैं। प्लेयर इनवाइट करने के दो तरीके हैं। पहला, कोड के थ्रू प्लेयर्स ज्वाइन अ टीम ऑप्शन का इस्तेमाल कर टीम से जुड़ सकते हैं और दूसरा, प्लेयर्स का ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं और हम उन्हें आपकी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन सेंड करेंगे। आप टीम को डिलीट और लीव भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, टीम लीव करने से पहले आपको टीम प्लेयर्स में से किसी एक को कैप्टन बनाना होगा। ये तो बात रही टीम बनाने की, अब बात कर सकते हैं कैसे आप पहले से बनी हुई टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, पहला ज्वाइन अ टीम और दूसरा फाइंड अ टीम। ज्वाइन अ टीम में आपको टीम कोड को पेस्ट करना होगा और वहां से पहले से बनी हुई टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइंड अ टीम में आप टीम का नाम या फिर कैप्टन नेम से टीम सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पहले से बनी हुई टीम को ज्वाइन करने की। इस तरीके से आप तैयार हो जाएंगे बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज खेलने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स यू कैन contact us at esports@battlegroundsmobileindia.com। तैयार रहिए खुद को बनाने के लिए, तैयार रहिए चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि ये है अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल। #challengeeverything